भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब करीब 5000 रुपया बच रहा है। इसे ही खा लेंगे क्या नेट को ही? सब कुछ इससे ही गुजारा हो जाएगा था, खाना पीना नेट से गुजारा होते हैं। हाँ, खाने से गुजारे होते हैं। जहर काल चल रहा है, अमृत काल नहीं चल रहा। हाँ, गरीब आदमी को जहर देते हैं मोदी। इलेक्शन आने दो, 24 का जब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जिस दौर में महंगाई से आम आदमी के बुरे हाल है, टमाटर 200 रुपए पर लाल है, वहां मीडिया के एंकर और कई बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी जी का कमाल है, वरना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। आम आदमी इस मुद्दे पर क्या सोचता है? क्या वाकई पीएम मोदी ने महंगाई से देश को बचा रखा है? मूड ऑफ पब्लिक में आइए, लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त एक गरीब बस्ती में आए हैं। पीएम मोदी भी कहते हैं, मीडिया के एंकर भी कहते हैं कि पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान जैसा हालात बनने से बचा लिया मोदी जी ने। किसी को नहीं बचा रखा। बस एक गेहूं फ्री दे देते हैं और कुछ नहीं है। सिलेंडर 1100 होगा, कहां से गरीब आदमी कर लेगा बताओ? सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। जो लोगों को बुढ़ापे की पेंशन भी, वो खाएंगे या इसमें लगाएंगे? बीमारी में लगाएंगे, गैस भरवा खाने के लिए लगा, क्या सब्जी ले सकते हैं बताओ? सब चीज महंगी कर 5000 रुपए तो मोदी जी कहते हैं मोदी जी ने बचा लिया। 5000 रुपए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आप, फोन में 5000 बच रहे हैं उससे? कुछ भी नहीं है। कहां वैसे झूठ बोलते हैं, कहीं वैसे कहते कुछ है करते कुछ है। फोन पे वीडियो देख के 5000 रुपए नहीं बच रहे आपके? फोन पे ही दिखा सकते हैं, वो दे नहीं सकते क्या? कांग्रेस के जमाने में इंटरनेट महंगा था, अब सस्ता कर दिया, 5000 बच रहा है हर आदमी का फोन देखने से। कांग्रेस का राज था जब, बहुत अच्छा था हमारे लिए। जब थोड़ी शर्म थी क्या, इसके तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल। इसे तो मार दिए, नेट से गुजारा नहीं होता इंटरनेट से? अरे गुजारा इससे खा, इसे ही खा लेंगे क्या नेट को ही? सब कुछ इससे ही गुजारा हो जाएगा था, खाना पीना, सब्जियां महंगी हैं, कपड़े ज्यादा, नेट से गुजारा होते हैं, खाने से गुजारे होते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हर आदमी जो स्मार्टफोन देखता है उसका 5000 रुपए बचा रहा हूँ। एम ई खामा खाई मोदी झूठ बोल रहे हैं। जरूरी है सबके पास स्मार्टफोन, रोटी ना खाने को फोन चलाना है? गरीब आदमी फोन चला लेगा? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलता रहता बैठा कुर्सी पे वहाँ पे। आपको क्यों लगता है झूठ बोलता है? अमृत काल नहीं चल रहा गरीबों का? कुछ भी नहीं है, बच्चे रोजी रोटी नहीं, रोजगार नहीं, चोर जो कर रहे बच्चे। कई बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी जी का कमाल है, वरना पाकिस्तान बन जाता। अब सामने आते हो सब बात भी करें, पीछे का जैसा कुछ भी छुरी घुसेड़ दो। मुफ्त राशन भी तो दे रहे हैं आप लोगों को मोदी जी। अनाज खा कर रह जाएंगे और न चाहिए अनाज के गल को कुछ भी, महंगा हो गया अनाज, कुछ भी ना मिल रहा बाकी गल। तो कई मोदी जी के समर्थक ये भी कहते हैं टमाटर मत खाओ ना, क्या हो गया? मोदी खाना छोड़ देगा? मोदी पहले तो सस्ते थे, मोदी ने कहा कि रोटी मत खाओ, हम रोटी बिना खाएंगे भूखे ही मर जाएंगे, कहते वो सोने को वाला खाते रहे, हम रोटी बिना खाए, टमाटर बिना खाए। मोदी बैठा कुर्सी पे, वहाँ ऊपर जाके चंसा बन के टमाटर कम खाने से गुजारा चलो कर लेंगे, और भी तो चीज सारी महंगी हो रही है ना। और क्या क्या महंगा हुआ है? सारी सब्जियां पे महंगी हो रही है, 40 रुपए पाव से कोई सब्जी कम नहीं है कोई भी। अरे बैंगन 70 रुपया है, 1600। हाँ, जो कभी घियार बैंगन खाते नहीं है ना बच्चे, वो भी 40-50 रुपए किलो हो रहे हैं। तो सब चीजों की वैल्यू बढ़ा दी मोदी जी ने? अब मोदी का समझो, किसी का समझो भाई, बढ़ा तो बहुत ही महंगाई कर रखी है। तो टमाटर आ रहा है आप लोगों के घर में, कितना खरीदते हैं टमाटर आजकल? एक पाव से ज्यादा नहीं ले सकते टमाटर का नाम ही नहीं, सपने में भी नहीं देख सकते। छोड़ दिया टमाटर, क्या करें बेटा? रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए तो मजबूरी है ना, लाना पड़ेगा रिश्तेदारों के लिए, अब घर में तो अपना गुजारा कर लेंगे। टमाटर अब VIP हो गया मतलब? अभी हो ही गए सब सब्जियों से महंगे। बड़े आदमियों के लिए टमाटर है, मोदी खा रहा है टमाटर को? तो मोदी जी तो मशरूम खाते हैं सुनने में आए। नहीं नहीं, टमाटर ही खा रहे हैं। सोने करने वाला खा सकता है उसकी क्या? सोने करने वाला खा सकता है वो तो। अच्छा, और क्या? तो टमाटर तो हर बरसात के मौसम में महंगा होता है ना, ये भी तो लॉजिक दिया जा रहा है। कभी नहीं होता जितना आपकी हुआ है, जितना आपका महंगा ना आपका। मेरे राज में 2.5 किलो गेहूं आटा मिलता था, 1 रुपए का 2.5 किलो, अपनी जब बता रही हूँ। और अब आटा है 34-35 रुपए किलो, क्या खा रहे? कमाई भी तो बड़ी होगी ना उसी साथ? कमाई नहीं, हम क्या खा रहे हैं? कमा के एक आध कोठी कर आते हैं। जो नौकरी करते हैं नौकरी वालों की तो कमाई बढ़ेगी, जो घरेलू औरत है उनका नौकरी पे जाती है। कई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि मजदूरी भी तो बढ़ गई ना बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले, उतरे उसके हर एक की मजदूरी नहीं लगी हुई कि हर एक के काम लगे हुए, हर एक के काम नहीं लगे हुए, कोई है ऐसा जो काम करता है, कोई नहीं करता। 1% कमाई है तो 4% महंगाई है। अच्छा, और क्या मतलब महंगाई की रफ्तार बुलेट से ज्यादा है? और बहुत ज्यादा हो रही है, तीर की तरह चल रही है।
मार तो गरीबों की है, गरीब का मार की गरीबों की हो रही है। गंदा पानी आना, सीवरेज भरी रहनी, राशन कार्ड काट दिए, रोड नहीं बनने, हर घर में पानी भर रहा होगा, हर घर में जाके चेक करो, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, बताओ कहाँ जाए, पीने को पानी नहीं है, सीवर का पानी घरों में, और क्या, चलो दिखाऊं, डबल इंजन में ऐसे हाल है, और क्या, मोदी जी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, उसमें इतने बुरे हाल कैसे हो गए, मतलब जहर काल चल रहा है, अमृत काल नहीं चल रहा, हाँ गरीब आदमी को जहर देते हैं मोदी, और अब कर से ये सरकार आनी भी नहीं है, क्या गरीब आदमी सब इससे कट गए, इलेक्शन आने दो 24 का जब बताएंगे। मुफ्त सिलेंडर भी तो दिया है मोदी सरकार ने, मुफ्त देने से क्या फायदा है, जो भरवाएंगे 1150 का, 1150 को उसे भरवाएंगे, खाली तो पकड़ा दिया, अब उसे भरवाएंगे कैसे, जब भी 1600 रूपए लिए था वो फ्री नहीं था, 1600 रूपए मैं खुद भर के आई हूँ, सरकार तो कहती है ना मुफ्त है, आपको आपसे किसी बिचौली ने ले लिए होंगे, नहीं जहाँ एजेंसी पे से लिया था वहीं से, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, हाँ उज्ज्वला योजना जो फ्री में मिलता है उसके पैसे, 1600 रूपए दे के आए, 1600 रूपए भरे थे, 1600 रूपए में एक चूल्हा मिला था, एक गैस सिलेंडर मिला था, उसके बाद भरवाने गए एक बार नुके दिवाली पे, सस्ता भरा जाएगा 500 रूपए का भरा, उसके बाद फिर वही 1150 का भरवाना है, तो बताओ उसका क्या फ्री में क्या फायदा हुआ, फ्री आदमियों में 10 आदमियों को दे ही दो सिलेंडर, तो उसमें वो हो गए, हमें तो ना दिया, और ना आज तक भी हमें तो ना आज तक भी कुछ ना दिया, मोदी अपनी कुर्सी पे बैठा है, क्या दिया उसने, 100 आदमियों में 10 आदमियों को सिलेंडर दे दिया, जी गरीब 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 गरीब, गरीब कहाँ गरीब कर रहे हैं, तो और किस चीज की महंगाई परेशान करती है, महंगाई है यहाँ तो, डॉक्टर के भी जाओ तो 500 रूपए धरवा लेगा, 300 रूपए कहाँ से लाएगा, 10 किलो आटा हो गया 300 रूपए का, 350 का 10 किलो आटा, क्या खा ले गरीब, हैं भैया जो नौकर ना है उनका तो राशन कार्ड, जो नौकर है उनको मत दो, और क्या तो ना कर रहे हैं, अरे हम नौकरी सरकारी ना मिल रही, 10,000 रूपए मिले, 10,000 में क्या हुआ है, 20,000 लिख दिए जी, मिलने 9,000 है, 20,000 जीन के मिल रहे हैं जी, वो हमें लिख दिए जो बनाया, जो ये बच्चे जो ये नौकर है ये छोटे छोटे उनके 20,000 तनखा लिख दी, ये नौकर है बच्चे, तो ये फरीदाबाद की एक वाल्मीकि बस्ती है जहाँ पर ज्यादातर सफाई कर्मचारी हैं, लोगों के घरों में काम करने जाते हैं, गरीबों का हाल है, जो कहते हैं कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाओं में भी भ्रष्टाचार है, झूठे आंकड़े दिखाकर गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, सीवर का पानी पूरी बस्ती में भरा पड़ा है, तो क्या यही दिल्ली NCR में डबल इंजन की सरकार का विकास है, जो मीडिया और बीजेपी नेताओं को भी हकीकत दिखाता है और PM मोदी को भी हकीकत दिखाता है कि इस अमृतकाल में गरीबों का जीना कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई सहित तमाम मुद्दों पर मूड ऑफ पब्लिक में आगे भी आपको ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नमस्कार।